वेलकम टू रिहानास रेसिपीज। आज हम देखेंगे केएफसी स्टाइल जैसा फ्राइड चिकन आसानी से घर पे जो अवेलेबल रहने वाले चीजों से ही। आप भी जरूर ट्राई करके देखिए, आपको पसंद आएगा। आप भी ये टेस्टी फ्राइड चिकन को आसानी से बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी बिना डाउट के बना सके। रेसिपी देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कैसे लगी कि मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार होंगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फिर किस बात की देरी फ्रेंड, चलो ये फ्राइड चिकन बनाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट प्रोसेस चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पे मैं 1 किलो चिकन ले ली हूँ। चिकन के थोड़े बड़े बड़े पीस ले लीजिए, अच्छे से क्लीन करके ले लीजिए। अब इस साइड में रख देती हूँ। मैरिनेट के लिए एक बॉल में आधा कप जितना दही ले ली हूँ। यहाँ पे छाछ से बनाया जाता है, मैं दही होगा तो ले ली थी दही। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। तीखे के हिसाब से लाल मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो। मैं यहाँ पे ओरिगैनो ले रही हूँ। आपके पास मिक्सड हर्ब होंगे तो डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा ज्यादा ही डाल लीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये थोड़ा पानी डाल लेंगे, ज्यादा पानी नहीं डाल लीजिए। ज्यादा पानी डालेंगे तो ज्यादा छाछ जैसा बन जाएगी। छाछ में आप फिर ये चिकन को रखेंगे तो फ्लेवर्स चिकन को नहीं लगेंगे, इसलिए थोड़ा ही पानी डाल लीजिए। थोड़ी गाढ़ी छाछ जैसी रहना है। अब 1 टेबलस्पून जितना मैदा ऐड कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैदा ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। अब ये छाछ के मिक्सर को इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन में ऐड करके हाथ से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। रब करते अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अब ढक के कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। ये फ्रिज में रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए। 5 घंटे के बाद अगला प्रोसेस देखेंगे, तब तक चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अभी 5 घंटे हो गए हैं। अभी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। चिकन को कोट करने के लिए मैदे का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 कप जितना मैदा ले ली हूँ। अभी मैदे में कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, तीखे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। नमक देख के डाल लीजिए, चिकन के लिए हम नमक ऑलरेडी डाले थे, ये कोटिंग के लिए है। अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिलने तक। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, कोटिंग के लिए मैदा रेडी हो गया है। अब एक कुकर या पैन ले लीजिए, गैस ऑन कर देंगे। डीप फ्राई के लिए ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रख के गर्म होने देंगे। अब कढ़ाई या पैन ले लेंगे तो थोड़ा मोटा वाला ले लीजिए तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब बर्फ का पानी ले लीजिए थोड़ा। अब ये चिकन का एक पीस को ले लेंगे, इसको ये मैदे में कोट कर देंगे। अच्छे से रब करते हुए कोट कर लीजिए। ये फर्स्ट बार जो कोट करते हैं, अच्छे से रब करते हुए कोट करना है। अच्छे से रब करते हुए ये चिकन के पीस को अच्छे से कोट करना है। जैसा देखो वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह अच्छे से कोट कर लीजिए। अब एक कोट किया हुआ पीस को चिकन के ये बर्फ के पानी में ऐड कर लीजिए। अब ये बर्फ के पानी से निकाल के दोबारा से ये मैदे में कोट कर देंगे। ये दूसरी बार कोटिंग, ज़्यादा कोट करना नहीं है, बस हल्का सा कोट कर लीजिए। इसी तरह एक कोट करने के बाद अभी चिकन पीस को निकाल देंगे, प्लेट में रख दीजिए। इसी तरह चिकन के पीसेस को कोट करना है। और एक कोटिंग करके दिखा दूंगी मैं चिकन के पीस को। सेम प्रोसेस है, ये चिकन पीस को ये मैदे के मिक्सचर में कोट करके ये बर्फ के पानी में ऐड कर लेंगे। दोबारा से मैदे में कोट करके निकाल लेंगे। अब एक कोट करने के बाद ये पीसेस को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद ये डीप फ्राई कर लेंगे। तब तक ये कोटिंग चिकन पीसेस को अच्छे से लग जाएगी। अब यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़े से फ्रेंच फ्राइज डीप फ्राई करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि लास्ट में भी कर सकते हैं। लास्ट में करेंगे तो ये चिकन पीसेस के सब फ्लोर नीचे आ जाएगा मैदा, तो ऑयल थोड़ा ख़राब होगा, इतना अच्छे नहीं आएंगे। ये फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी भी नेक्स्ट मैं वीडियोस में बता देती हूँ आपको परफेक्ट कैसे बनाना है। अभी चिकन पीस को ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा इसी तरह टैप करके निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा फ्लोर होगा मैदा निकल जाता है। अभी ऑयल में ऐड कर लेंगे।
कैंस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। अभी देखो चिकन के पीसेस सारा ऑयल में डूब के रहना है, नहीं तो ये सही से नहीं बनेंगे, इस बात की ध्यान रख लीजिए। बीच बीच में पलटते उलटते दोनों साइड्स भी अच्छे से कलर चेंज होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करना है। अब हाई फ्लेम पे रख के करेंगे तो ऊपर से तो कलर चेंज हो जाएंगे, अंदर से चिकन कच्चा रहेगा। अभी देखो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गई ही। अभी चिकन पीसेस को निकाल देंगे, फ्राइड चिकन को निकाल के एक टिश्यू पेपर में ले लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है निकाल जा सके। इसी तरह सारे डीप फ्राई करके पीसेस को निकालना है। बनके तैयार हो गया है KFC स्टाइल जैसा फ्राइड चिकन। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। ये फ्राइड चिकन को आप मायोनीज केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। कैसे लगी मुझे कमेंट कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। और टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे हानास रेसिपीज चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।